रोती हुई अर्चना को संभालती हुई नजर आई प्रियंका और साथ में गौतम भी। चलिए आप लोगों को बताते हैं बिग बॉस 16 के घर से जुड़ी हुई ये लेटेस्ट अपडेट। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो गाइज अगर मैं ये बात बोलूं कि भाई राशिम का टास्क जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा, तो ये बात जो है वो कहनी थोड़ी मेरे लिए हिचकिचाहट वाली बात होगी, क्योंकि बिग बॉस जो है सेट बहुत अच्छे बना रहे हैं पर बिग बॉस जो है टास्क अच्छे नहीं करवा रही हैं। ये मेरा ओपिनियन है, अगर आपका भी ओपिनियन ऐसा है तो बताइए जरूर। मजा नहीं आ रहा टास्क में और कंटेस्टेंट भी जो है मजेदार चीजें कर नहीं रहे हैं। इसी दौरान ही जो राशन वाला टास्क हुआ था उसके बाद जो है सब लोग काफी ज्यादा रो रहे हैं और हर जगह पर लड़कियां जो है रोते हुए दिखाई दे रही, क्योंकि किसी को कुछ नहीं मिला, किसी को कुछ नहीं मिला। जहां पर अर्चना जो है अपने रूम में लेटी हुई रो रही होती है और वहां पर प्रियंका आती है और प्रियंका बोलती है क्या हुआ, क्यों उदास है, तो एक्चुअली में काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और प्रियंका थोड़ा सा समझाती है। और उसके बाद जो है गौतम आते हैं और फिर पता चलता है कि अर्चना को जो है चावल नहीं मिले, जिसके कारण वो काफी ज्यादा उदास है क्योंकि उनको चावल नहीं मिला है। तो गौतम जो है वो ये चीज कहने लग जाते हैं कि भाई चावल नहीं मिला तो इस चीज से उदास होने की क्या जरूरत है, हम लोगों के पास बहुत सारी चीजें हैं चावल के अलावा, हम लोग भर पेट जो है वो खा सकते हैं, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों ने टास्क में बहुत अच्छा किया, जब भी वजन बजा तभी मैं वहां पर भागा, मैं एक में दो में तीन में मैं भागा, चार में मुझे जाके चांस मिला और मैं पांच में भी भागा, उस वक्त जो है शालिनी ने मेरे पैर में जो है पैर अटका दिया था जिसके कारण मैं आगे नहीं जा पाया, एक ही राउंड में मैं जा पाया, जहां पर मैं जब गया वहां पर काफी सारी चीजें जो है खत्म हो चुकी थी, पहले जो है कंटेस्टेंट ले चुके थे, लोग ले चुके थे, तो अभी जो भी हमारे पास है वो भरपूर है हम दोनों के लिए और हम भरपूर खा सकते हैं, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि एक बात तो अच्छी है कि एक साइड अगर गौतम का देखे तो बहुत अच्छा है, अगर सौंदर्य वाला पार्ट देखे तो बहुत ही ज्यादा बेकार है। ये मेरे ओपिनियन है, आप अपने बताइए। इसके साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।